उसका दिमाग में है पागल, और जो वो अपना ये विगत है। अरे जाने बोलो, अगर ये हो गया तो उन लोग को जाने बोलो। প্রথমতে মই রঙিয়াবাসী রই কিনে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষক ধন্যবাদ জানাইছো যে রঙিয়াত এখন ধুনিয়া কোচ রেস্টুরেন্ট দিছে দববার ভিতরতে। আমার তো রঙিয়াখন এনে ঐতিহ্যপূর্ণ ঠাইয়ে, তারপর রঙিয়ার আকো এটা নতুনকৈ চিনাকি হব যায় আছে রেলওয়ে কোচ রেস্টুরেন্ট। এইফালের পর আমি রঙিয়া আমি সকলে রেলওয়েক ধন্যবাদ জানাইছো। আর বাকি নতুন বছর বিহুর রাইজক শুভেচ্ছা জানাইছো। আমাক ইয়াতে আপনার মাজুলীর মুখা অভিনয় অঙ্কন করা হয়েছে, পুরা অসমীয়া কালচারটো ইয়াত রখা হয়েছে যাতে অসমীয়া কালচারটো বাইরা মানুষে আহি কিনে দেখা পায়। রঙিয়াখন বিশেষকৈ এনে রেলওয়ের রেলরে মানুষ, তারপর যাতে বাইরের মানুষখিনি যাতে দেখা পায় সেই হিসাবতে অসমীয়ার কালচারটো আমি অল্প রাখিছো ইয়াতে। देखिए नॉर्थ ईस्ट में हम लोगों का प्लान है कि नॉर्थ ईस्ट के हर स्टेट में हम लोगों का इस तरह का कोच रेस्टोरेंट होना चाहिए, और बहुत खुशी की बात है कि ये रंगिया डिवीज़न में रंगिया में इको पार्क में ये पहला इस तरह का कोच रेस्टोरेंट जिसके आपने थीम देखा है, तो यहाँ पूरा नॉर्थ ईस्ट के जितने भी हमारे जो दर्शनीय स्थल हैं उनके ऊपर आधारित है, और बाहर जो मजोली का जो का बेसिस है मुखा तो ये बहुत ही खूबसूरत जगह है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस तरह का जो ना सिर्फ टूरिस्ट के लिए बहुत बेटर है, एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी बेहतर है, क्योंकि एक नई बिल्डिंग बनाना उसमें जो कार्बन फुटप्रिंट होता है बहुत ज़्यादा होता है, और एक कोच जो बना हुआ है उसको कन्वर्ट करना एक एडेड अट्रैक्शन भी है और एनवायरनमेंट के लिए भी बेहतर है। तो मुझे पूरा उम्मीद है इतना खूबसूरत जो है इसको पब्लिक यहाँ की पसंद करेगी, इसको जी जान कहना चाहिए जो दिल से लगा के इसको यूज़ करेगी, और रेलवे की ये जो पहल है और भी इस नॉर्थ ईस्ट के कोने में हम लोग इस तरह की फैसिलिटीज़ देंगे।